पूर्णिया में आज दिन में हल्की फुल्की बूंदा बूंदी बारिश देखने को मिला, साथ ही साथ मौसम भी कभी धूप निकलता और कभी बंद हो जाता, क्या वजह? जैसे कि पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं कि वायु दबाव जो है घटा हुआ था, उसके कारण जो है बादल बन रहे थे और पूर्वी हवा चल रही थी, तो नमी वाली हवा चल रही थी और बादल का आंशिक रूप से बादल हमेशा क्या हो रहा है कि बन रहा है और फिर छट रहा है, बादल आ रहे हैं क्योंकि वायु दबाव घटने के कारण जो है और पूर्वी हवा चल रही, तो उसके कारण बादल का जैसे संघनन होता है और फिर धूप रहने के कारण जो है फिर बादल छटते हैं इस तरह से। और उसके साथ जैसा कि पिछले 48 घंटे से देखें तो हल्की बारिश जो है 2 से 3 मिलीमीटर, जैसे कि आज पिछले 24 घंटे में देखें तो 2.3 मिलीमीटर कल रात में जो बारिश हुई थी और आज सुबह में जो बारिश हुई है वो 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आने वाले 24 घंटे में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी क्योंकि अभी भी वायु दबाव जो है घटा हुआ है और उसके कारण जो है ये कह सकते हैं कि अभी जो मानसून की रेखा है वो मानसून की रेखा गया होते हुए, झारखंड होते हुए, बंगाल की खाड़ी होते हुए पास कर रहा है, जैसे कि राजस्थान, गंगानगर और गया होते हुए, झारखंड होते हुए मतलब दक्षिणी जो उड़ीसा है उसको पास कर रहा है। उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में उस रेखा का और भी पूरब की तरफ आने की उम्मीद है, संभावना है। और उसके कारण क्या होगा कि सीमांचल और पूर्णिया सहित जो है खास करके पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और दक्षिणी बिहार में भागलपुर, इन सब क्षेत्रों में जो है 30 तारीख को यानी कि 30 तारीख अगले 24 घंटे में भी अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी और फिर 1 तारीख को भी मतलब हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहेगी। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जो है बनी हुई है। अच्छा, गर्मी से क्या लोगों को राहत मिलेगी अगले 5 दिनों में? निश्चित रूप से, जैसा कि आज सुबह में ही आप देखेंगे कि लगभग 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो उसके कारण जो बादल, सघन बादल आते हैं तो उसके कारण वो धूप के रूप में रखता है और पूर्वी हवा चली है, पूर्वी हवा लगभग 8 से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चली, फिर जो है हवा शांत हो जाने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ती है, पूर्वी हवा चलती है उसके कारण उमस बढ़ता है, तो इस तरह का स्थिति जो है मतलब एक मिला जुला असर। लेकिन मौसम अगले 24-48 घंटे में जो है मध्यम से कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ जो है राहत मिलने वाली है। सर, अगले 5 दिनों के लिए पूर्णिया में मौसम का अधिकतम तापमान कितना होगा और न्यूनतम कितना? जैसा कि देख रहे हैं कि अभी तापमान का जो रेंज है 34 डिग्री से 36 डिग्री का रेंज है और न्यूनतम तापमान का जो रेंज है 27 डिग्री से 29 डिग्री के बीच है, तो आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान जो है यही 34 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। उसी प्रकार से न्यूनतम तापमान भी जो है 26 डिग्री से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। बता दें, राकेश कुमार, वैज्ञानिक सहायक।